हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम अपने सोशियोलॉजी का अगला लेक्चर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने द एनलाइटनमेंट पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि एनलाइटनमेंट का पीरियड क्या था दोस्तों। उसके बाद हमने देखे थे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर, जिसमें थॉमस हॉब्स थे। इन्होंने नेचुरल लॉ और कौन से की बात करी थी दोस्तों, एब्सोल्यूटिज्म। कौन से? रॉयल एब्सोल्यूटिज्म की बात करी थी। फिर हमने उसके बाद जॉन लॉके का देखा था, इन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बात करी, जिसमें इन्होंने बताया था कि मैन जो है पैदा हुआ उसको कुछ फ्रीडम के साथ, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के साथ दो, तो इसीलिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने मोंटेस्को का देखा था, इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में बात करी थी, जिसमें इन्होंने पावर को तीन भागों में डिवाइड करने की बात करी थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। उसके बाद दोस्तों हमने वोल्टेयर की बात देखी थी, इन्होंने चैलेंज करा था किसकी? चर्च की अथॉरिटी को, और इन्होंने एक डिज्म का आइडिया दिया था दोस्तों। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में रोजे के बारे में भी पढ़ा था, जो कि सोशल इनक्वालिटीज के खिलाफ थे दोस्तों, और इन्होंने जर्नल विल का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका? जर्नल विल का दोस्तों। उसके बाद हमने एडम स्मिथ के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें उन्होंने जिस जिस जो कि एडम स्मिथ की बुक क्या थी दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन, इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कंजर्वेटिव का रिएक्शन क्या था इस एनलाइटनमेंट, या जो भी थिंकर सभी आ रहे थे, जो भी फिलोसफर्स आ रहे थे, उनके थॉट्स के खिलाफ कंजर्वेटिव का क्या रिएक्शन था, हमने ये देखा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा देखा था हमने। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस क्या थे, वो थोड़ा हमने समराइज करा था। और दोस्तों आज हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों हम पहला सब टॉपिक कवर कर रहे हैं अपना, कौन सा? मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज। तो हम मॉडर्निटी को काफी चीजें पढ़ चुके हैं, मॉडर्निटी में क्या क्या है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। रिनेसेंस पीरियड पढ़ चुके हैं, कमर्शियल रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, और ये सारे के सारे किसका पार्ट है? मॉडर्निटी का दोस्तों। और आज हम उसी सीरीज में एक अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों याद रखिए, कमर्शियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में डिफरेंस है। कमर्शियल मतलब क्या होता है दोस्तों? खरीद बेच करना। क्या? खरीद बेच करना। और व्यापार तो 14वीं शताब्दी से भारत में आना स्टार्ट हो गया था ना। कौन कौन? आपको पता है पोर्तुगीज 1498 में आ गए थे भारत में। कौन था वो? वास्को डी गामा आ चुका था भारत में। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन बहुत पहले से चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? सिंपल भाषा में समझ जाइए, जब प्रोडक्शन जो होता है मास स्केल पे होने लगे या लार्ज स्केल पर होने लगे, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले लोग हाथों से चरखा चला चला के करते थे, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश होंगी, बड़ी बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश होंगी, जिनके जरिए क्या होगा? मास प्रोडक्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? मास प्रोडक्शन। तो इसी पीरियड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिड 18th सेंचुरी, आसान भाषा में कहें तो 1760 में स्टार्ट हुआ था, और 1820 तक क्या हुआ, इस पीरियड को माना जाता है इंडस्ट्रियल पीरियड। और ये कहां से शुरुआत हुई दोस्तों इंडस्ट्रियल की? इंग्लैंड से। कहां से दोस्तों? इंग्लैंड से स्टार्ट हुई दोस्तों। याद रखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी कॉटेज इंडस्ट्री पर निर्भर थी। किस पे दोस्तों? कॉटेज इंडस्ट्री पे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आया, वैसे क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम का आगमन हुआ और मास प्रोडक्शन शुरू होने लगा। समझे नहीं समझे दोस्तों? तो मैंने बता दिया 1760 से लेकर 1830 के पीरियड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। और इस पीरियड को क्यों कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोस्तों? क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए टूल्स का इन्वेंशन हुआ, नई नई टेक्निक्स का इन्वेंशन हुआ, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टुक प्लेस। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इस पीरियड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पीछे बहुत सारे कारण थे, अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे क्यों आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस टाइम पे? क्योंकि इस टाइम पे स्टेम इंजन आ गया था, आपको पता है ना, स्टेम इंजन आ गया था दोस्तों। वहीं और भी कुछ चीजें इंप्रूव हो गई थी जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करा था। वो क्या दोस्तों? बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था, कम्युनिकेशन के सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने करा क्या दोस्तों? इसने इकोनॉमी का पैटर्न ही चेंज कर दिया। पहले आपको पता है फ्यूडल सोसाइटी चलती थी, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कौन सी सोसाइटी बना देगा? कैपिटलिस्ट सोसाइटी दोस्तों। कौन सी? कैपिटलिस्ट। फ्यूडल सोसाइटी में याद रखिए, इससे पहले फ्यूडल सोसाइटी चलती थी, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी अपने चरम पर आ जाएगी दोस्तों।
अब समझते हैं दोस्तों why इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपन इन इंग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। तो दोस्तों इसके कारण क्या थे, फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई? तो पहला कारण समझते हैं दोस्तों, पहला कारण था ग्रेट डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड आयरन ओरे। तो ये तो दोस्तों आपका हिस्ट्री का भी हिस्सा है। तो पहला कारण था कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कोल और आयरन ओर के डिपॉजिट्स थे, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने की, जो कि इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत जरूरी है। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोयले पर चलती हैं आज भी, और आयरन तो आपको पता है बहुत जरूरी है। दूसरा कारण क्या था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? दूसरा कारण था दोस्तों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंग्लैंड, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वहां पे। कहां पे? इंग्लैंड में। उथल पुथल नहीं थी पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगमन हुआ। तीसरा कारण दोस्तों क्या था, इंग्लैंड एमर्ज्ड एज अ लीडिंग कॉलोनियल पावर। अब भाई कॉलोनियल पावर बन गया इंग्लैंड, आपको पता है भारत में, अफ्रीका में, बहुत सारी जगह पे रूल कर रखा था इंग्लैंड ने। तो भाई अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बेचना भी तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो भाई उसके लिए मार्केट चाहिए। तो इन लोगों को कॉलोनी के रूप में एक क्या मिल गई, रॉ मटेरियल भी मिल गया उस कॉलोनी से, और एक बहुत बड़ी मार्केट भी मिल गई जहां वो चीजें बना बनाकर बेच सकते थे। तो इस वजह से इंग्लैंड को फायदा हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ठीक है। तीसरा कारण आपको पता चला। चौथा कारण है दोस्तों सीरीज ऑफ इनोवेशंस टू प्लेस इन इंग्लैंड। तो बहुत सारे इनोवेशंस हुए थे इंग्लैंड में जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जोर मिला। वो कौन कौन से, स्पिनिंग जेनी हो गई थी दोस्तों, डेवलप्ड पावर लूम्स डेवलप हो गए थे जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जोर मिला, ठीक है। ये चौथा रीजन समझ गए, याद रखिए दोस्तों ये आपके हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दोनों में काम आएंगे। पांचवा कारण क्या था दोस्तों, आयरन इंडस्ट्री ऑल्सो ग्रू एंड डेवलप्ड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। छठा कारण है डेवलपमेंट ऑफ स्टेम इंजन फर्स्ट बाय न्यूकॉम इन 1712 एंड इन 1770 बाय जेम्स वॉट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों स्टेम इंजन का डेवलपमेंट होना। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों द सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या प्रभाव डाला, सिंपल भाषा में बताएं क्या प्रभाव डाला, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक हेडिंग है दोस्तों, सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो क्या प्रभाव डाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आसान भाषा में? तो पहला है दोस्तों द कंडीशन ऑफ लेबर्स, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्या इंपैक्ट डाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, तो लेबर की कंडीशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। अब क्या हुआ, लेबर्स जो थे वो क्या होने लगे, लिव्ड इन पॉवर्टी एंड स्क्वेलर वर एंड वर सोशली डिप्राइव्ड। तो जितने भी लेबर होते थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो पॉवर्टी में घुसने लगे, ठीक है, और गंदी वाली जगहों में रहने लगे। तो आपको पता है आज भी जहां जहां इंडस्ट्री है वहां वहां झुग्गियां वगैरह बसती हैं, और जिसकी वजह से लोग क्या होता है आज भी पॉवर्टी में और बहुत ही बुरी हालत में जीते हैं, ना ही अच्छे से सैनिटेशन सर्विसेस होती हैं। तो ये तो जुड़ा हुआ डायरेक्टली किससे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। समझ में आया नहीं है दोस्तों? दूसरा क्या इंपैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दोस्तों, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों पहले फ्यूडल लॉर्ड के पास जो लैंड्स होता था उसकी वैल्यू होती थी दोस्तों, फ्यूडल्स के पास जो लैंड होता था उसकी वैल्यू होती थी, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसकी वैल्यू जो है थोड़ा लेस हो गई, क्या हो गई, लेस सिग्निफिकेंट बन गए फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, क्या बन गए, लेस सिग्निफिकेंट बन गए। और किसकी किसका दबदबा बढ़ने लगा, कैपिटलिस्ट का। क्यों कैपिटलिस्ट का बढ़ने लगा दबदबा, आपको पता है इस टाइम पे मनी आ गई थी, ठीक है, इसीलिए मनी ही ज्यादा लैंड के मुकाबले वैल्यू होने लगी थी दोस्तों। बैंकिंग सर्विसेज मैंने बता चुका हूं, तो इसकी वजह से लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, मनी का ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लगा दोस्तों। तो ये दूसरा इंपैक्ट पड़ा किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दोस्तों। अगला देख सकते हैं दोस्तों द इंडस्ट्रियल सिटी अर्बनिज्म। तो तीसरा कारण क्या पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कि अर्बनिज्म बढ़ा। क्या बढ़ा दोस्तों, अर्बनिज्म, यानी सिटीज बढ़ने लगी। पहले विलेजेस या रूरल पॉपुलेशन होती थी, लेकिन अब ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहने लगी, अर्बन एरियाज में। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा भी एक दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। क्या कि 1810 में जहां पहले 20% पीपल लिव्ड इन सिटीज, लेकिन बाद में ये 1910 तक 80% लोग जो है ब्रिटेन में कहां रहने लगे, सिटीज में। आप देख सकते हैं पहले 1810 में 20% ही लोग जीते थे, कहां रहते थे, सिटीज में, लेकिन 1910 तक आते आते ब्रिटेन के 80% लोग शहरों में रहने लगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अर्बनाइजेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा।
शहरीकरण पे, किस पे? शहरीकरण। चौथा क्या इंपैक्ट पड़ा दोस्तों? टेक्नोलॉजी एंड द फैक्ट्री सिस्टम ब्रॉट पुअर वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स। अब क्या हुआ दोस्तों, टेक्नोलॉजी नई नई आ गई, फैक्ट्री सिस्टम आ गया, तो मैं बता चुका हूं इससे हुआ क्या दोस्तों, जो भी वर्कर्स होते थे उनकी रहने की कंडीशन और काम करने की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। क्या हो गई? खराब हो गई काम करने की कंडीशन, उन पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पांचवा दोस्तों क्या इंपैक्ट पड़ा? फैमिली रिलेशन चेंज। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, तो फैमिली का जो रिलेशन था वो भी चेंज होने लगा। अब क्या, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब कैसी फैमिली होने लगी? न्यूक्लियर फैमिली। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में दोस्तों? आज भी आप देख सकते हैं शहरों में ज्यादातर आपको न्यूक्लियर फैमिली मिलेगी, जॉइंट फैमिली बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ने लगा, फ्रीक्वेंट सेपरेशन होने लगे फैमिलीज में। और इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों? फेथ इन रिलीजन डिक्रीज। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे आया दोस्तों, वैसे ही लोगों का धर्म में विश्वास भी जो है वो थोड़ा थोड़ा घटने लगा। आज लोग रैशनली ज्यादा सोचते हैं, क्या? रैशनली ज्यादा सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। और क्या इंपैक्ट पड़ा दोस्तों? पॉवर्टी सर्वे इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप शोड दैट पॉवर्टी इज सोशली क्रिएटेड। दोस्तों बाद में एक सर्वे करा गया और पॉवर्टी के ऊपर, किसके? गरीबी के ऊपर या पॉवर्टी के ऊपर एक सर्वे करा गया, जिसमें उन्होंने पाया, क्या बोला, कि जो पॉवर्टी है ये सोशली क्रिएट करी गई, पहले थी नहीं पॉवर्टी, लेकिन सोसाइटी ने, सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पॉवर्टी क्रिएट हो गई है। आप खुद देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कुछ ही लोगों के पास बिजनेस करने का मौका था, कुछ ही लोगों के पास पैसा था बिजनेस चलाने के लिए, तो जिसकी वजह से हुआ क्या दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कुछ कुछ लोगों ने तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल ली, लेकिन सबने नहीं खोल पाई, उसकी वजह से हुआ क्या, सोशली क्रिएट हो गया क्या पॉवर्टी। पॉवर्टी एक सोशल क्रिएटेड है दोस्तों, सोशल क्रिएटेड चीज है, इसीलिए गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडी वगैरह देती है ताकि इस सोशली क्रिएटेड पॉवर्टी को खत्म किया जा सके दोस्तों। और क्या हुआ दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट? दोस्तों राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये आप थोड़ा कुछ अच्छा बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ फायदा हुआ शुरू में, क्या? लिबरल डेमोक्रेसी का आगमन हुआ। उसके अलावा मिडिल क्लास उभर कर आई, कौन सी? मिडिल क्लास। पहले आपको पता है तीन ही क्लास होती थी, सबसे ऊपर फिर सेकंड क्लास और लास्ट में कॉमनर्स होते थे, लेकिन एक और क्लास आ गई, वो कौन सी थी? मिडिल क्लास दोस्तों। अगला है दोस्तों, फैक्ट्री सिस्टम लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल टू द सिटीज। ये तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, लार्ज स्केल जो है माइग्रेशन हुआ कहां? शहरों की तरफ दोस्तों, ये पढ़ चुके पॉइंट। अगला दोस्तों, एक और इंपैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का? जो मशीन है वो डोमिनेट करने लगी वर्क को। पहले वर्क को यानी काम पे किसका दबदबा होता था? इंसान का। लेकिन अब काम पे कौन डोमिनेट करने लगा? मशीन दोस्तों, मैन नहीं। मैन तो अब तुच्छ रह गया बहुत, उसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, एक तरीके का हेल्पर बन गया। आज देखो ना, फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर क्या इंसान काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, इंसान सिर्फ बैठा रहता है, देखता रहता है। डोमिनेट कौन करता है? एक्चुअली मशीन, मशीन काम करती है। और क्या हुआ दोस्तों? द रिलेशन बिटवीन द लेबरर्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर चेंज्ड। अब देखिए दोस्तों, पहले जो भी लेबर बंदा था वो कोई भी चीज प्रोड्यूस करता था, उसको उससे अटैचमेंट होता था कि हाँ देखो भाई ये मैंने प्रोड्यूस करा है, लेकिन अब प्रोडक्ट जो है मशीन प्रोड्यूस कर रही है, तो लेबर का तो उससे अटैचमेंट ही नहीं रहा दोस्तों। अगला इंपैक्ट क्या पड़ा? सोशल साइंटिस्ट फेल्ट दैट मैन एंड वुमेन हैड ग्रोन मैकेनिकल इन हार्ट। एक और इंपैक्ट क्या पड़ा? सोशल साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने पाया, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो आदमी और औरत मैकेनिकल इन हार्ट बन गए। आज देख सकते हैं लोगों के हार्ट दोस्तों मैकेनिकल बन चुके हैं, एक तरीके के पत्थर बन चुके हैं, मशीन बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी फोटोज लेने पसंद या वीडियो बनाना पसंद करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ हो गया एक तरीके से। किसने ये खिलवाड़ कर दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दोस्तों। एक और पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, मार्क्स आ फॉर्म ऑफ एंस्लेवमेंट इन द मशीन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एलिनेशन ऑफ लेबर। अब एलिनेशन क्या होता है दोस्तों? एलिनेशन मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम सेल्फ। क्या? सेपरेशन फ्रॉम सेल्फ यानी खुद से ही जुदा हो जाना, खुद से ही जुदा हो जाना। यानी कहने का मतलब है, कार्ल मार्क्स, अभी हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हुआ क्या, जो लेबर बंदा था वो खुद से ही जुदा हो गया। मतलब इतना काम करता है, इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है, ना उसके पास फैमिली के लिए टाइम होता है, ना फ्रेंड्स के लिए टाइम हो सकता है, ना एंजॉयमेंट होता है। सैटरडे संडे का ऑफ मिलता है, और वो भी सैटरडे भी भूल जाइए, संडे का ऑफ मिलता है जिसमें वो सोने में बिता देता है। तो कहने का मतलब क्या है, इंसान का खुद से ही
एलिनेशन हो गया, खुद से ही जुदा हो गया। आप देख लीजिए दोस्तों, रूरल रूरल और अर्बन लाइफ में यही डिफरेंस है दोस्तों। रूरल लोग जो है एक बार काम करके अपने फैमिली वगैरह दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में ये स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली और नेचर ये बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। और ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ है दोस्तों? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो दोस्तों हमने देखा कि मॉडर्निटी क्या क्या मॉडर्निटी में क्या क्या हुआ था दोस्तों। हमने रेनेसेंस देखा था, पॉलिटिकल मॉडर्निटी देखी थी, इकोनॉमिक मॉडर्निटी देखा था, एनलाइटनमेंट देख लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया, ये सब मॉडर्निटी के ही भाग है दोस्तों। तो इतनी सारी हमने मॉडर्निटी पढ़ ली, मॉडर्निटी का हमने मीनिंग भी देख लिया। तो मॉडर्निटी आखिरकार लाया क्या? इतनी सारी मॉडर्निटी हो गई, पॉलिटिकल थिंकर्स आए, फिलोसफर्स आए थे, इतनी सारी मॉडर्निटी लेके आ गए, तो मॉडर्निटी लाई क्या दोस्तों? हम देखेंगे। हमने पढ़ा था रिनेसेंस देखा था, तो रिनेसेंस ने किसको जन्म दिया? सेकुलर आइडियोलॉजी को। रिनेसेंस मैंने बताया था ना कब से कब तक पीरियड था और कहां स्टार्ट हुआ था? इटली में स्टार्ट हुआ था। रिनेसेंस क्या था? क्या रिवाइवल, मैंने बताया था रिनेसेंस का मतलब क्या होता है? रिवाइवल। रिवाइवल किस चीज का? आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सब का रिनेसेंस हुआ था। पहले सिर्फ चर्च का रूल चलता था, लेकिन जब ये सारी साइंटिफिक चीजें डेवलप होने लगी तो लोगों की जो आइडियोलॉजी होती थी पहले एक ही धर्म के लेकर होती थी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे कैसे बन गए? सेकुलर आइडियोलॉजी। तो याद रखिए रिनेसेंस ने जन्म दिया किसको? सेकुलर आइडियोलॉजी को। अगला, और मॉडर्निटी ने क्या दिया दोस्तों? फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया था, हमने देखा था मॉडर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आई, लेकिन इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ क्या? इक्वलिटेरियन आइडियोलॉजी बनी। क्या? इक्वलिटेरियन आइडियोलॉजी बनी। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से तीन क्या आए थे निकलकर? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी निकल के आए थे। तो ये किसकी देन है भाई? फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था? मॉडर्निटी की वजह से दोस्तों। और क्या हुआ दोस्तों? अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या दिया? ये भी एक मॉडर्निटी का पार्ट है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दिया यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। अब लोग जो है बिजनेस ऐसी चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, खपत वगैरह में, ठीक है। तो इसने यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी को विश्वास दी, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करी दोस्तों। पहले फ्यूडल थी, अब कैसी हो गई? कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया वो। तो दोस्तों All these development could not be explained by present body of knowledge, so there was need of another discipline which could explain these changes, find solution to the even predict these changes. तो दोस्तों हमने देखा कि मॉडर्निटी जो है बहुत सारे समाज में बदलाव लेके आया, और दोस्तों इसीलिए उस टाइम पे जो सब्जेक्ट थे वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि भाई इतने सारे बदलाव जो है सोसाइटी में कैसे आ रहे हैं, पॉलिटिकल आ रहे हैं, सोशल आ रहे हैं, इकोनॉमिक आ रहे हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स बदलाव को पढ़ने के लिए और इससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही थी। हमने अभी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। क्या? राइज इन पॉवर्टी देखा, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रही थी जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन में बहुत ज्यादा पॉवर्टी बन रही थी। तो बहुत सारे इश्यूज एसोसिएटेड हाई। तो उस टाइम पे इन सारे इश्यूज को पढ़ने के लिए, सॉल्यूशंस पाने के लिए कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए सोशियोलॉजी का जन्म होता है कि क्यों भाई बदलाव आए इतने सारे और इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, इसके पीछे का रीजन क्या है और ये क्या बदलाव लाएंगे। इन सभी को पढ़ने के लिए एक नए सब्जेक्ट का जन्म हुआ, सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी किससे निकल के आया दोस्तों? मॉडर्निटी से दोस्तों। किससे? मॉडर्निटी से। हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे कि सोशियोलॉजी जो अभी तक हमने मॉडर्निटी पढ़ा उससे कैसे सोशियोलॉजी निकल कर आया दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मॉडर्निटी एंड सोशियोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।